नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। मैं हूं अमर प्रताप सिंह। डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर नजर। जब जब धरती पर आसुरी शक्तियां हावी हुई, तब तब परमात्मा ने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। मथुरा में राजा कंस के अत्याचारों से व्यथित होकर धरती की करुण पुकार सुनकर नारायण ने कृष्ण रूप में देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में जन्म लिया। तत्पश्चात धर्म और प्रजा की रक्षा कर कंस का अंत किया। यह बात पूरे दुबे का बाजार मऊ में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाते हुए पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री जी महाराज ने श्रद्धालुओं और भक्तों के बीच कही है। आपको बता दें कि कथा पूरे दुबे का बाजार स्थित विशाल वटवृक्ष के नीचे पंडित रुद्र प्रताप अग्निहोत्री संरक्षक की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्री राम जन्मोत्सव के सारांश के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए चौथे दिवस पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री जी महाराज रामकथा का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए अवतार धारण किया। कथा में कृष्ण जन्म का वर्णन होने पर समूचा पांडाल खुशी से झूम उठा। मौजूद श्रद्धालुओं यजमान शिव कुमार माली सपत्निक, रत्नेश कुमार अग्निहोत्री उर्फ टीटू, श्रीकांत अवस्थी नंबरदार, करण कुमार बाजपाई, अरुण मिश्रा, पारसनाथ मिश्रा, शुभम गुप्ता, शिव बहादुर पांड्या, मनोज कुमार पांड्या, हरकेश सिंह, शिवदान सिंह, हरि नारायण मिश्रा उर्फ डॉक्टर करिया, अखिलेश यादव, राम अवतार तमोली, सत्रोहन जायसवाल, मनसू अवस्थी, श्यामलाल, शक्ति शरण तिवारी, राजन बाजपाई, सुमित तथा पंडाल में बैठे सैकड़ों भक्त और श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार के साथ झूमकर श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई। विदित हो कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिवस की रात्रि वेला में कथा प्रारंभ होने से पहले क्षेत्र के अग्रणी व्यवसायी व समाजसेवी शैलेंद्र प्रताप उर्फ राहुल साहू और उनकी टीम के रामशरण मौर्य, अखिलेश त्रिवेदी, मंगल आनंद वैश्य, करण टेलर, आकाश सिंह, आदर्श गुप्ता, जितेंद्र सिंह के द्वारा श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री जी महाराज और उनकी टीम के पंडित गोविंद प्रसाद त्रिपाठी, बिंदा प्रसाद नाल वादक, ब्रिज किशोर तिवारी हारमोनियम वादक समेत चारों आचार्यों को माल्यार्पण व रंग वस्त्र प्रदान करते हुए राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत। हरसी चले और जब अहिल्या का उद्धार किया तो हरस नहीं चले, चले राम। अब हरस चले, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा। हर्ष नहीं चले, स्नान किया, अब सोचते जाते हैं ब्राह्मणी का शरीर है और हूं तो भगवान, लेकिन व्यवहारिक जगत में मेरा जन्म छत्री के यहां हुआ है। गुरु की आज्ञा हुई, मैंने चरण तो स्पर्श करा दिया, लेकिन पापक जरूर मुझे लगा होगा। तो गंगा स्नान किया, प्रायश्चित कर दिया, कथा सुन लिया, गंगा स्नान किया, विश्वामित्र के मुख से कथा सुना, तब हरसि चले। अब प्रसन्नता हो गई, नहीं तो बताइए जिसने इतना बड़ा काम किया हो, एक निर्दोष जो पत्थर बनाई गई थी उसका कर्म कारण किया, प्रसन्न ना हो। नहीं प्रसन्न हुए, क्योंकि मन में ग्लानि है कि मेरे द्वारा अपराध हो गया है। गुरु की आज्ञा है लेकिन अपराध तो हो गया है, अपराध का प्रायश्चित कब होगा। गंगा स्नान किए, कथा सुने, अब बड़े प्रेम से हर्ष चले। मुनिवृंद सहाया देह विदेह नगर नियर आया, बिल्कुल पहुंच जाते हैं। महाराज जनक जी को पता चला कि श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं, उनके साथ में विप्रवृंद हैं, राजकुमार हैं, तुम्हारा मिलने के लिए आए। सदैव निराकार ब्रह्म का ब्रह्मानंद का आनंद हृदय में लिया करते हैं और विरागी हैं, उनके यहां भी कथा होती है, सबके यहां होती है। याज्ञवल्क जी कथा सुना रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि सब आए जनक जी के यहां, और बड़े बड़े सब ऋषि तो सब बैठ गए, जैसे आप लोग सब बैठे हो, तो याज्ञवल्क जी भी आए बैठ गए और कथा नहीं प्रारंभ कर रहे, एक घंटा बीत गया तो सब खड़े हो गए, कहा महाराज क्या बात है, आप आज बैठे हो, हम लोग कब के बैठे हो, कथा का भी जनक जी नहीं आए, जनक आओ तब तो कथा प्रारंभ हो। कहा महाराज हम लोग इतने सुनने वाले, क्या केवल अकेले जनक को आप कथा सुना ली, सबको सुनाते हैं, लेकिन विशेषता है जनक में, इसलिए जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम कथा नहीं सुनाएंगे। अब जनक जी आए,
बैठ गए, कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई थोड़ी देर में पता लगा कि राजा जनक के महल में जहां संत महात्मा टिके हैं ये सब कथा सुनने वाले, आग लग गई है, सब भागे, सब भागे। मेरा कमंडल जल जाएगा, मेरा कम्बल, और जनक जी बैठे हैं। कथा हो रही है, जिसका महल जल रहा है, जिसका सब कुछ जल रहा है वो बैठा है, और जिनका केवल कमंडल जलेगा, खड़ंग जलेगा, वो सबके सब चले गए। अब जब पता चला कि जो आग लगी थी बुझ गई, अब लौटे, तब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, कहो भैया, जिसका महल जल रहा था, जिसकी सारी संपत्ति जल रही थी, वो तो यही बैठा था, अब तुम लोग काहे ले गए थे? तुम तो यहां थोड़े दिन के लिए आए हो, भोजन करोगे, दक्षिणा पाओगे, चले जाओगे। कोई सोता था, कोई पकता था। तो कहने का तात्पर्य ये विरागी है जनक जी, रहे कहावत परम विरागी, बैरागी है, बिल्कुल विराग, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप विश्वामित्र के साथ दो सुंदरता देखा, तो जो आनंद हृदय का था वो निकल पड़ा। तिनहिं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखये मनु त्यागा। दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एसके इंडिया न्यूज। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी जो नई अपडेट्स है